नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा रॉय और मेरे चैनल इंस्पायरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नया साल शुरू हो गया है और नए साल के साथ हर किसी ने एक संकल्प लिया है, एक नया रेजोल्यूशन सेट किया है कि हाँ, मैं मेरे लाइफ में कुछ नया करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने अपने लिए कोई नया सक्सेसफुल प्लान बनाया होगा ताकि वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो सके। वैसे ही कोई बिजनेसमैन अपने लिए नई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होंगे। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपने लिए कोई नई आदत या कोई नया रेजोल्यूशन सेट नहीं किया होगा। दोस्तों, मैं भी चाहती हूं कि मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करें, सक्सेस करें। इसलिए मैं आपके साथ 5 सक्सेस मंत्रास या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेकर आई हूं, जिसे निश्चित ही अपनाने के बाद आप सक्सेस करेंगे और ये लाइफ के डिफरेंट पाथ से ली गई है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साल में 365 दिन होते हैं, इनमें से सिर्फ 100 डेज को हमें परफेक्ट बनाना है, मीन सबसे अच्छा बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ऐसा दिन जब आप सुबह जगते हो, आपने अपना पेंडिंग काम किया, ऑफिस गए, वहां पे बॉस इज वेरी हैप्पी बिकॉज उसने आपके काम को बहुत अप्रिशिएट किया। घर आने के बाद आपको कुछ ऐसा न्यूज मिलता है लाइक काफी टाइम से एक वर्क पेंडिंग था और वो कंप्लीट हो गया। मदर, आपकी वाइफ या आपकी मदर आपको बताती है कि आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ओवरऑल आपको उस दिन सिर्फ गुड न्यूज मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज मिलते हैं। रात को सोते समय आपके दिमाग में एक ही बात आती है, वाओ, सच अ परफेक्ट डे, सच अ ब्यूटीफुल डे, काश ऐसा ही दिन हर रोज हो। इसके लिए हमें मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन या सिर्फ 100 डेज हम मेहनत करेंगे और वो 100 डेज परफेक्ट हो जाएंगे और बाकी दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें रोज का दिन अपना परफेक्ट करना है ताकि उसमें से बेस्ट जो परफेक्ट डेज हैं वो कम से कम 100 डेज हो जाए। आजकल किसी भी व्यक्ति की 90% जरूरतें पैसे से पूरी होती है। हमें नए साल में ये प्लान करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर सके। इसके लिए अनडाउटेडली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसके लिए पीछे क्यों हटना है, आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कीजिए और इस अर्न किए पैसे से जो एक्स्ट्रा अर्न मनी है आप उसको सेव करिए, और सेव करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो आप उसको प्रॉपर वे में कीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म वो प्रॉफिट दे सके। प्रत्येक व्यक्ति रोज बहुत सारे काम करता है, दिन की शुरुआत अगर अनप्लान्ड में वे होती है तो हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेंगे जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और कई सारे ऐसे काम होंगे जो जरूरी हैं और हम कर नहीं पाते। हमें नए साल की शुरुआत ऐसे नहीं करनी है। अगर कोई काम हमें करना है या अगले दिन की प्लानिंग हमें एक दिन पहले करनी है। सो रिमेम्बर, जो काम हमें अगले दिन करना है उसकी प्लानिंग हमें एक दिन पहले करनी होगी। न्यू ईयर प्लानिंग बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको एक गुड हैबिट अपनानी होगी और आपको एक नया रेजोल्यूशन लेना होगा कि आपका हर अगला दिन आपके बीते दिन से बेहतर होगा। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप पे पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो आपको अपना अगला दिन हमेशा बेस्ट करने के लिए प्रेरित करेगी और उसमें सहायता करेगी। अपने न्यू ईयर को स्पेशल बनाने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये बातें हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, प्रॉपर डाइट मेंटेन करें और मेडिटेशन करें। उन लोगों, दोस्तों और रिलेटिव्स को कॉल करें और थैंक यू बोलें जिन्होंने आपके लिए कुछ खास किया हो। अपने डर को खत्म करें, अपनी बैड हैबिट्स और नेगेटिविटी को द एंड कह दें। नीडी पीपल की हेल्प करें, कुछ नया जरूर सीखें, अपने को नया लुक दें और नई जगहों पर घूमने जरूर जाएं। सो दोस्तों, नया साल, नए आइडियाज और न्यू रेजोल्यूशंस को अपनाएं और अपने इस साल को स्पेशल बनाएं। सो बाय द टाइम, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्पेरस न्यू ईयर एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।